वेलकम टू जूरिस्ट एग्जाम। आप एक करंट अफेयर जूरिस्ट एग्जाम पर देख रहे हैं। आने वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप करंट अफेयर को अंत तक देखते रहिए। यदि आपको क्वेश्चन के आंसर मालूम है तो वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। करंट अफेयर स्टार्ट करने के पहले आप कॉपी और पेन ले लीजिए और इम्पॉर्टेंट नोट जरूर बनाइए। तो आज 24 फरवरी 2020 है, तो 24 फरवरी 2020 का करंट अफेयर स्टार्ट करने के पहले 23 फरवरी 2020 का करंट अफेयर का रिविजन करते हैं। यदि आप 23 फरवरी 2020 का करंट अफेयर का वीडियो न देख पाए हो तो जूरिस्ट एग्जाम यूट्यूब चैनल पर जाकर 23 फरवरी 2020 का वीडियो देख सकते हैं, तथा पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल जूरिस्ट एग्जाम पर जाके वहां डाउनलोड कर सकते हैं, जो बहुत ही स्टैटिक क्वेश्चनों के साथ होता है। तो स्टार्ट करते हैं 23 फरवरी 2020 के करंट अफेयर का रिविजन। तो पहला क्वेश्चन था, किस मंत्रालय ने भारतीय उद्योग प्रसंघ के सहयोग से बर्लिन में भारतीय पवेलियन का आयोजन किया है? तो इसका राइट आंसर था सूचना और प्रसारण मंत्रालय। दूसरा क्वेश्चन था, उपराष्ट्रपति ने किस बैडमिंटन खिलाड़ी को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इसका राइट आंसर था PV सिंधु। तीसरा क्वेश्चन था, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की शुरुआत कहाँ हुई है? तो इसका राइट आंसर था कटक उड़ीसा में, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया था। चौथा क्वेश्चन था, किसे पीएम के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर था पूर्व IAS अफसर भास्कर खुलबे और अमरजीत सिन्हा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया। पांचवा क्वेश्चन था, आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों से निपटने हेतु किस पुलिस स्टेशन की स्थापना की है? तो इसका राइट आंसर था दिशा पुलिस स्टेशन की। छठवा क्वेश्चन था, हाल ही में घोंघा की एक नई प्रजाति की खोज की गई है, का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो इसका राइट आंसर था ग्रेटा थुनबर्ग। सातवां क्वेश्चन था, किस राज्य में 3,000 टन सोने के भंडार मिले हैं? तो इसका राइट आंसर था उत्तर प्रदेश। आठवां क्वेश्चन था, किस विभाग द्वारा 5G हैकाथन लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर था दूरसंचार विभाग द्वारा। नौवां क्वेश्चन था, अंतरराष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन 2020 आयोजन किसके द्वारा हुआ है? तो इसका राइट आंसर था सुप्रीम कोर्ट द्वारा। दसवां क्वेश्चन था, 3 दिवसीय ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल की शुरुआत कहाँ हुई है? तो इसका राइट आंसर था दिल्ली में। ये 23 फरवरी 2020 करंट अफेयर के रिविजन चल रहे थे। यदि आप 23 फरवरी 2020 का करंट अफेयर का वीडियो ना देख पाए हो तो जूरिस्ट एग्जाम यूट्यूब चैनल पर जाके वहां देख सकते हैं, तथा पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल जूरिस्ट एग्जाम पर जाके उसे डाउनलोड करके देख सकते हैं, तथा उसमें बहुत से स्टैटिक क्वेश्चन होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज 24 फरवरी 2020 का करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसने असम में नॉर्थ ईस्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कंक्लेव 2020 का आयोजन किया है? तो इसका राइट आंसर होगा नीति आयोग ने, नीति आयोग ने असम में नॉर्थ ईस्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कंक्लेव 2020 का आयोजन किया है। तो नीति आयोग से ने सतत विकास लक्ष्य कंक्लेव 2020 उत्तर पूर्वी राज्यों उत्तर प्रदेश की गुवाहाटी में भागीदारी सहयोग और विकास का आयोजन किया है। उद्घाटन उत्तर पूर्वी राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले हुनर हाट का आयोजन अगले महीने की 29 फरवरी से 8 मार्च तक कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है रांची में। अगले हुनर हाट का आयोजन 29 फरवरी से 8 मार्च तक रांची झारखंड में किया जाएगा। तो झारखंड के बारे में जानते हैं, झारखंड की राजधानी रांची गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को। भाषा हिंदी, संथाली, उर्दू तथा कुड़माली। जिलों की संख्या 24 है, विधानमंडल एक संसदीय है। विधानसभा सीटें 82 हैं, राज्यसभा सीटें 6 हैं, लोकसभा सीटें 14 हैं। मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। अभी हाल ही में हुनर हाट का आयोजन दिल्ली में हुआ है, तो दिल्ली के बाद अब इसका आयोजन रांची झारखंड में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दक्षिण सूडान में पहले उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? दक्षिण सूडान के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो इसका राइट आंसर होगा रीक माचर ने दक्षिण सूडान के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस देश ने सबसे पुराने परमाणु ऊर्जा संयंत्र को बंद कर दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रांस। ओ सॉरी, फ्रांस। फ्रांस ने सबसे पुराने अपने परमाणु ऊर्जा संयंत्र को बंद कर दिया है। फ्रांस ने देश के सबसे पुराने परमाणु ऊर्जा संयंत्र को बंद करना शुरू कर दिया है। फ्रांसीसी राज्य के स्वामित्व वाली ऊर्जा दिग्गज EDF ने 43 साल के ऑपरेशन के बाद देश के सबसे पुराने ऊर्जा संयंत्र को बंद कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस राज्य में युवा एक्सचेंज कार्यक्रम वतन को जानो की शुरुआत हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में वतन को जानो नाम से कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। तो जम्मू और कश्मीर के बारे में जानते हैं, इसकी राजधानी श्रीनगर जो कि मई से अक्टूबर के बीच में होती है, जम्मू है नवंबर से अप्रैल के बीच में।
स्थापना हुई थी 1954 में और स्थापना हुई 31 अक्टूबर 2019 को। जिलों की संख्या 22 है। उपराज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसने एनएसएस के सप्ताह भर के राष्ट्रीय एकता शिविर 2020 का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर होगा लेफ्टिनेंट एलजी जम्मू कश्मीर के सलाहकार फारूक खान। जो है एलजी हैं गिरीश चंद्र मुर्मू के सलाहकार फारूक खान ने इसका उद्घाटन किया है। ये युवा एक्सचेंज कार्यक्रम वतन को जानो की शुरुआत की है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य ने 48 खिलाड़ियों को राज्य सरकार के प्रतिष्ठित शिव छत्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र सरकार ने शिव छत्र पुरस्कार से 48 खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया है। तो उसके बारे में जानते हैं, महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। गठन हुआ था 1 मई 1960 को। भाषा है मराठी। जिलों की संख्या 36। विधानमंडल सदनीय है। विधान परिषद सीटें 78 है। विधानसभा सीटें 288 है। राज्यसभा सीटें 19 है। लोकसभा सीटें 48। मुख्यमंत्री उद्धव भाई ठाकरे। राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस SERB महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 मिला है? किसे SERB महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा वैज्ञानिक डॉक्टर नीत कुमार को। SERB उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चित्र भारती फिल्म समारोह का तीसरा संस्करण 2020 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा अहमदाबाद गुजरात में। चित्र भारती के तीसरे संस्करण का अनावरण हुआ है। तो गुजरात के बारे में जानते हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गठन हुआ था 1 मई 1960 को। भाषा है गुजराती। जिलों की संख्या 33। विधानमंडल 101 है। विधानसभा सीटें 182 है। राज्यसभा सीटें 11 है। लोकसभा सीटें 26। मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी। राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य ने थाई मांगूर मछली के खेती केंद्रों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने थाई मांगूर मछली के खेती केंद्रों पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो फ्रेंड कल का प्रश्न था जिसका जवाब कई लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिख कर दिया। यदि आपको भी क्वेश्चन के आंसर मालूम रहे तो कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर दें। तो क्वेश्चन था भारत बंगला टूरिज्म फेस्टिवल की शुरुआत कहाँ हुई है? क्वेश्चन को दोबारा सुनिएगा। भारत बंगला टूरिज्म फेस्टिवल की शुरुआत कहाँ हुई है? इस क्वेश्चन का जवाब था त्रिपुरा में भारत बंगला फिल्म टूरिज्म फेस्टिवल की शुरुआत हुई है। तो फ्रेंड आज का प्रश्न है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की शुरुआत कहाँ हुई है? क्वेश्चन को दोबारा सुनिएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की शुरुआत कहाँ हुई है? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें। तो फ्रेंड आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और प्रतिदिन के सबसे पहले करंट अफेयर्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें जूरिस्ट एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग जूरिस्ट एग्जाम यूट्यूब चैनल।